अगली खबर में बात करते हैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान युवा अब कटोरा लेकर सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। दरअसल NSUI के साथ सैकड़ों की संख्या में बेरोजगारों ने रीवा जिले के मुख्य बाजारों में कटोरा लेकर भीख मांगा है। महंगाई बेरोजगारी का विरोध करते हुए युवाओं ने कहा कि पढ़े लिखे बेरोजगार आज भीख मांगने को मजबूर हैं। बेरोजगारों को सिर्फ छला जा रहा है, मामा के राज में कटोरा दे दिया है हाथ में। बेरोजगारों ने कहा कि अब हम पकौड़ा बेचने लायक भी नहीं बचे हैं, क्योंकि तेल और सिलेंडर की कीमत बढ़ती जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं छात्रों ने किस तरह से विरोध व्यक्त किया है और NSUI के पदाधिकारियों ने क्या कहा है। मामा नहीं कसाई है, तन से छोटा भाई है। मामा नहीं कसाई है, तन से छोटा भाई है। भैया हम सब लोग पढ़े युवा बेरोजगार, हम लोग भी पढ़े हैं लेकिन बेरोजगार स्वामी। मामा तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में, कटोरा दे दिया हाथ में। मामा तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में, मामा तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में। मामा तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में, मामा तेरे राज में। हम लोग पढ़े लिखे युवा बेरोजगार मामा की सरकार में भीख मांगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो नौकरियां तो दे नहीं रहे हैं। मामा तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में। आज हम लोग पढ़े लिखे छात्र युवा हाथ में कटोरा लेके शिवराज सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि जिस तरह हम बेरोजगारों को छला जा रहा है कि मामा तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि युवा बेरोजगार पकौड़े बेचें, जो कि अब हम पकौड़े बेचने लायक भी नहीं बचे हैं। नए वर्ष में ही कमर्शियल सिलेंडर के 75 रुपये 25 रुपये दाम बढ़ा दिए गए। बढ़ते हुए तेलों के दाम अब हमें पकौड़े बेचने लायक भी नहीं छोड़ा है, और रोजगार तो हमें सरकार दे नहीं रही है, सिर्फ छलने का काम कर रही है। चाहे वो फॉर्म के नाम पर हम लोगों से फीस जमा करवा ली जाती है कि आप नियुक्तियाँ निकाले हैं, उसके बाद या तो एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया जाता है या फिर उसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। तो अब हम लोगों के पास सिर्फ कटोरा लेके भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। तो हम मामा को दिखाना चाहते हैं कि आप देख लीजिए आपके राज्य में किस तरह के युवा पढ़े लिखे छात्र कटोरा लेके मार्केट में भीख मांग रहे हैं, और व्यापारी भाई भी हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह व्यापारी हम लोगों को भीख दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, पूरे रीवा में ही हम कहें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि रीवा में ही कोई बेरोजगार का साधन नहीं है। सिर्फ मॉल और फ्लाईओवर दिख रहे हैं, एक भी कोई ऐसा बेरोजगार का साधन नहीं है। एकमात्र है सोलर प्लांट, तो वहाँ के विधायक जी खुद ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से अपना दुखड़ा रो चुके हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ही रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग क्या उपेक्षा करें कि जब BJP के खुद ही विधायक रो रहे हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, तो हमें रोजगार दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, 4-5 दुकानों में गए, सभी दुकानदारों ने हम लोगों को, ये देख लीजिए कि सब लोगों को भीख दी, अच्छा सहयोग दिया। रवि सुमित सिंह, जिला उपाध्यक्ष NSUI।